नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में स्वागत है आप सभी का। खबर मुजफ्फरनगर से है। जनपद मुजफ्फरनगर की कचहरी प्रांगण स्थित डीएम कार्यालय में एनआईसी विभाग के अंदर आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुजफ्फरनगर की 222 स्वयंसेवी सहायता समूह की संस्थाओं को स्टार्टअप फंड VRS SSIF फंड में 58,18,000 का अनुदान राशि उनके खातों में ट्रांसफर किया। वहीं स्वयंसेवी संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं ने बताया कि आज हमें बहुत अच्छा लगा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हम लोगों को सक्षम बनाने के लिए हमारे खातों में अनुदान राशि ट्रांसफर की है, जो हमारे कल खातों में हमें मिल जाएगी। हम लोग मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से स्वावलंबी बने हैं और आज हमें जीने का हक मिल गया है और इसी अधिकार से हम लगातार समाज व प्रशासन के लिए कार्य करते रहेंगे। हम लोग समूह बनाकर महिलाओं को और युवतियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई अगरबत्ती बनाना दीपक बनाना कपड़े सिलना खाना बनाना सिखाना आदि कार्य सिखाते हैं और उन्हें स्वावलंबी बनाते हैं। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी सेवक मई जे के नेतृत्व में विभाग के इन लोगों के खातों में अनुदान राशि ट्रांसफर की गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी सेवक कुमारी जे, एडीएम प्रशासन अमित कुमार, परियोजना अधिकारी जयसिंह यादव व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रभारी मनोज कुमार सहित दर्जनों स्वयंसेवी सहायता समूह संस्था की दर्जनों महिलाएं मौजूद रही। सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार प्रकट किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। आपका नाम? जयसिंह यादव। मैं परियोजना निदेशक और उपायुक्त जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन मुजफ्फरनगर। सर, आज एक मुख्यमंत्री की वीसी हुई है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आज जो है समूह को पूरे प्रदेश में जो है CIF RF और स्टार्टअप की धनराशि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है हस्तांतरित की गई है, जिसमें अपने मुजफ्फरनगर जनपद में 58,18,000 रुपये इसके हस्तांतरित हुए हैं। कितने समूह है सर? समूह जो है 225 समूह हैं जी। ये राशि जो सहायता राशि है मुख्यमंत्री जी के करकमलों से मिली है। हाँ, करकमलों से आज हस्तांतरित हुई। क्या क्या काम लेते हैं सर इन समूहों से? अब समूह जो है विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। एक तो जैसे समूह सिलाई के काम कर रहे हैं। हमारे समूह जो है इसमें जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन वितरण का काम कर रहे हैं, ड्राई राशन के वितरण काम कर रहे हैं। और हमने COVID-19 के अंतर्गत जब अभियान चला था तो हमारे समूह द्वारा मास्क सिले गए और जो है सैनिटाइजर भी इनके द्वारा बनाया गया था। बाकी ग्रामों में विभिन्न प्रकार के समूह अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे हैं और जो है अभी जो स्कूलों में ड्रेस वितरण किया गया है बच्चों को, उसमें हमारे जनपद के सभी समूहों ने ड्रेस सिल करके जो है स्कूलों को वितरित किया है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सीखा है। सीखा जी, क्या करती है आप? मैं समूसा की हूँ। हाँ। समूह से जुड़ी हुई हूँ। हाँ। कौन से समूह से जुड़ी हुई है? मेरे समूह का नाम गायत्री स्वयं सहायता समूह है। हाँ। क्या, क्या क्या काम होता है उसके अंदर? सिलाई का, हमने सिलाई का काम भी किया है। मैं हैंडग्राफ्ट काम करवा रही हूँ। हाँ। हाथों से मतलब धागे का। और अभी हमारे उसमें RF 15,000 का RF हुआ है और CCL हुई है 1,10,000 की। ये मुख्यमंत्री ने हमारे खाते में कल आ जाएंगे। मतलब ये सहायता राशि आपको मुख्यमंत्री के द्वारा मिली है? हाँ जी, मुख्यमंत्री के द्वारा कल हमारे खाते में आ जाएंगे। कितने लोग आपके समूह में काम करती हैं? मेरे समूह में 11 सदस्य हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत ही। क्या संदेश देना चाहते हो और लोगों को आप? जी, मैं सबसे ये कहना चाहूँगी ज्यादा से ज्यादा महिलाएं समूह में जुड़े और जिनके अधूरे सपने थे वे समूह से जुड़ के अपने सपने पूरा करें और अच्छा लगता है स्वावलंबी बने। किस तरह का फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है।